हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा चर्चित आपका मुद्दा यानी राजस्व लेखपाल की वैकेंसी। ये जो भर्ती है अभी यूपी ट्रिपल एससी या जो राजस्व आपका एक तरीके से मंडल होता है, विभाग होता है, उसके द्वारा उसका जो मीडिया प्रभारी है, ठीक है, यानी जो मीडिया आपकी सारी सूचनाओं के बारे में जानकारियां प्रदान करता है, विभाग के बारे में सब कुछ बताता है, अभी वहीं से एक अपडेट मिला है कि राजस्व लेखपाल की भर्ती अब यूपी ट्रिपल एससी को दे दी गई है। अभी तक यह संशय बरकरार हुआ था क्योंकि राजस्व लेखपाल अपनी भर्ती को खुद ही करवाता है। पिछली बार भी इसने करवाया था 16 में, याद होगा आप सभी को, ठीक है। इस बार भी यह वैकेंसी को खुद करवाने जा रहा था, लेकिन इस बार यूपी ट्रिपल एससी को यह वैकेंसी दे दी गई है, यानी अब आप सभी के हाथों में एक सुनहरा मौका आ चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि लॉकडाउन चल रहा है, इसमें वैकेंसी क्या होगी। बहुत सारे बच्चों में मैंने देखा कि फेसबुक ग्रुप हैं वगैरह हैं, सभी जगह मतलब कोई वैकेंसी आई तो उसके सबसे पहले दिमाग में सारी चीजें निगेटिविटी भर जाती। आप मुझे एक बात बताइए, अगर वर्तमान जैसे हालात ना होते, महामारी जैसे, तो इससे तो ज्यादा हर दिन के एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं। जितने दिन लॉकडाउन ना, इससे कहीं ज्यादा, जितनी मौतें भारत में हुई इससे कहीं ज्यादा रोजाना आपको पेपरों में पढ़ने को मिल जाता है, आज इतनी मौतें हो गई, आज इतनी हो गई। तो ये तो सामान्य सी चीज है, लॉकडाउन है जब से सारी चीजें बंद है। अपने यहां 3.3% रेट है, कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो हमें बहुत भयावह स्थिति की ओर सोचने पर मजबूर कर दे। ना तो हमारे हालात अमेरिका जैसे हैं और ना ये हमारे हालात जो है इटली और इन जगहों जैसे हैं। इसीलिए पूर्ण रूप से आप अपने दिमाग में ये बना लीजिए कि अगली भर्ती आनी है, 100% तय है। ना तो ऐसी जो है बदतर हालात हमारे यहाँ हो रहे, सब कुछ कंट्रोलिंग में है धीरे धीरे। इसीलिए पहले तो अपने आप पर यह पूर्ण विराम लगाइए कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, सब कुछ अफवाह आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ निश्चिंत हो चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि आप सभी के द्वारा पूछा गया, मुझे कई मैसेज आए कि सर ये राजस्व लेखपाल के बारे में जो है थोड़ा सा कोई इसके पाठ्यक्रम को लेकर के अपडेट दे दीजिए। तो उन्हीं सभी के लिए मैं आप सभी के सामने हूं। तो सबसे पहली चीज कि यह भर्ती आपके यूपी ट्रिपल एससी को दे दी गई है, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन जो आपका सेवा आयोग है उसको दे दी गई है। अभी तक राजस्व विभाग स्वयं अपने जो है भर्तियों को करवाता था। यह आपके राजस्व लेखपाल की परीक्षा होगी, ठीक है। इसमें जो पदों की संख्या है, यह पदों की संख्या इस बार लगभग 5200 के करीब है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 30,000 के समथिंग आपके इसके लेखपाल के पद स्वीकृत हैं, उनमें से लगभग 6,000 के करीब आपके पद खाली थे। तो 5200 पदों पर यह भर्ती आपकी परीक्षा होनी है, यानी एक अच्छा खासा चांस है। दूसरी बात, थोड़ा बहुत लॉकडाउन में ढील मिलता है तो फॉर्म तो आपको ऑनलाइन फिल करना है। आप ऑफलाइन कोचिंग में मत जाइए, आप ऑनलाइन पढ़िए, घर बैठकर पढ़िए, अपने आप को सुरक्षित भी रखिए और जो है ज्यादा से ज्यादा जानकारियां भी हासिल करिए। मैंने तो इस परिपेक्ष में आपको हिंदी की क्लासेस शुरू कर दी है, मैथ्स की आलोक सर ने शुरू कर दी है, आशीष सर के द्वारा रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं और सारी चीजें पूर्णतया निःशुल्क है। आपको सिर्फ पीडीएफ के प्रोग्राम से जुड़ना है, यानी आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ लेनी है, तो आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और सब कुछ आपको सारी वीडियोस फ्री मिल रही है, ठीक है। तो ये घर बैठ के आप अभी से अपनी तैयारी धार देना शुरू कर दें। दूसरी बात, पदों की संख्या लगभग 5200 है। अब पद 5200 है तो यहां पर उत्तर प्रदेश है भैया, ऐसा पद जिसमें ना कोई हमें जो है फिजिकल कोई भी हमें जो है क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो उसमें आप सारे लोग अच्छे से जानते हैं कि यहां जहां सामान्य सी आपकी भाव जो है चीजें मांगी जाती हैं, जिसमें सिर्फ शैक्षिक अर्हता मांगी जाती है, आयु सीमा भी इसमें बहुत ज्यादा होती है, शैक्षिक योग्यता इसमें 12वीं स्तर की होती है, यानी आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होना चाहिए, ठीक है, यह शैक्षिक योग्यता है। आयु जो होती है यह 18 वर्ष से प्रारंभ होती है, यानी आप मिनिमम 18 वर्ष के हों और अधिकतम आयु 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अगर आप इस जो जुलाई आपकी अपकमिंग है उस जुलाई में आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप इस परीक्षा के लिए जो है शैक्षिक आयु यानी शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करेंगे। 40 वर्ष अधिकतम होती है, इसके बाद भी इसमें जो अलग अलग कैटेगरियां हैं उन सभी को छूट दी जाती है। ईडब्ल्यूएस को भी छूट मिलेगी, सीटें सभी के लिए रिजर्व होगी, आयु में छूट आपकी जो है जो कैटेगरी वाले लोग हैं उन्हीं को मिलती है, यानी 40 के बाद भी ये 45 साल हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी छूटें, यानी जब उम्र सीमा 18 से 40 है
बारहवीं इसमें सिर्फ पास मांगा जा रहा और पदों की संख्या 5200 है, तो इसमें कंपटीशन बहुत अच्छा होने जा रहा है, इसीलिए अपने आप को अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, इसका फॉर्म कब होगा? फॉर्म जो है इसका आप यह मानिए कि जब आपका 3 मई तक तो लॉकडाउन है, 3 मई के बाद, चूंकि PSSSC के बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया था कि वो हरकत में आ चुकी है, लॉकडाउन में भी वहां पर जो पुरानी परीक्षाएं थे उन सभी के जो है रिजल्ट पर वो काम करना प्रारंभ कर दी थी। अब ये जो फॉर्म आएगा 3 मई के बाद, आप ये मानिए कि लगभग फॉर्म आपका इसके मई के अंत तक आपको देखने को मिल सकता है, यानी मई के अंतिम आपको सप्ताह तक ये देखने को मिल जाएगा वहां तक, या हो सकता है जून का प्रथम आपका सप्ताह या मई के अंतिम सप्ताह तक फॉर्म आपके सामने होगा, क्योंकि सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई चीजें झूठ नहीं है कि अभी भी जो है ये परीक्षा नहीं होनी है, जैसा कि अंदेशा अभी बहुत सारे बच्चों के द्वारा मैंने देखा कि उनका यही सबसे पहले कमेंट क्या आता है कि ये सिर्फ बेवकूफ, अगले साल चुनाव भी है, दिमाग में ये भी आप रखिए, ठीक है, गवर्नमेंट हर एक चीजों पर सही स्टेप कार्य कर रही है तो उन चीजों का भी प्रभाव होगा, ठीक है। दूसरी बात, संभावित परीक्षा तिथि, अगर यह फॉर्म आपका मई या जून में आ जा रहा है तो आप यह मानिए कि लगभग 1 महीना फॉर्म भरने की आपको तिथि जो है दी जाएगी, छूट दी जाएगी, 1 महीना मिनिमम होता है फॉर्म भरना, ठीक है। संभावित जो परीक्षा तिथि होगी, अगर मैं इस पर चर्चा करूं तो संभावित परीक्षा तिथि आपकी लगभग आप ये मानिए कि जून में होगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर से अक्टूबर माह तक यह परीक्षा आपकी आयोजित करा ली जाएगी, सितंबर से अक्टूबर माह तक ये परीक्षा आपकी हो जानी है, यानी लगभग 3 महीने आपको मिनिमम समय आयोग के द्वारा मिलना जो है मिलेगा। हो सकता है ये परीक्षा अगर मई में ये लास्ट तक आ गई तो परीक्षा आपकी सितंबर के शुरुआती ही आपके जो है सप्ताहों के बीच में करवा दिया जाएगा, इसीलिए अपनी तैयारी आप शुरू कर दें। अब मैं बात कर रहा हूं पाठ्यक्रम की, कि पाठ्यक्रम आखिर इसमें क्या पूछा जाएगा, हम पढ़े तो क्या पढ़े, तैयारी किसकी करें। तो देखिए, जब हम पाठ्यक्रम के बारे में आपसे बात करेंगे तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि रणनीति आपकी बनेगी तो सबसे बड़ी चीज उसमें पाठ्यक्रम ही होता है। अब पता कहीं से हमें चल गया कि हिंदी आनी है, अब हम क्या किए, शुरू से उठाए अंत तक हिंदी चाट के रख दिए और अपने आप को महारथी घोषित कर दिया कि हिंदी हमें सब कुछ आती। अरे भाई, कंपटीशन निकालने के लिए जरूरी यह होता है कि क्या पढ़ना है और सबसे जरूरी यह होता है कि क्या छोड़ना है। हिंदी आनी है, कोई किताब उठा के सब कुछ चाट के रख दिए, आपको 25,000 जो है मान लीजिए आपने 800 पर्यायवाची शब्दों को रट लिया, ठीक है, विलोम शब्दों को, 1,000 शब्दों को, 2,000 शब्दों को रट लिया, जिनकी जैसी उपयोगिता है उस अनुसार आप रणनीति प्रकारी करिए। सबसे बेहतर दिशा यही होती है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि कहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं, सिलेबस क्या है। अब देखिए, पाठ्यक्रम पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि इसका पाठ्यक्रम आपका क्या हो सकता है, परीक्षा कितने अंकों की हो सकती है, तो पाठ्यक्रम से पहले आप जब हम परीक्षा की बात करेंगे, देखिए इससे पहले जो परीक्षा हुई थी, इस बार UP SSSC को जो दी गई है, इससे पहले जब परीक्षा थी तो 100 अंकों की परीक्षा थी, 100 अंकों में उसके बाद में जो है 20 अंक इसमें साक्षात्कार के थे, तो इस बार साक्षात्कार हटा है, तो सीधा सीधा यह मानिए कि 100 अंक की आपकी परीक्षा होने जा रही है, ठीक है, साक्षात्कार नहीं है। अब इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में जो आपके शामिल होंगे और जैसा मुझे अनुमान है मैं उस अनुसार आपको बता रहा हूं, इसमें हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में होता है, राज्य सरकार है, ठीक है, हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में होगा और जो प्रश्न इसमें आने चाहिए वो 25 प्रश्न हिंदी के होने चाहिए, ठीक है। अगर 100 अंक एक एक अंक की परीक्षा बनती है, दूसरी चीज हिंदी हो गया पहला इसमें, दूसरा जो इसका भाग होता है वह गणित का भाग होगा, ठीक है। अब गणित ऐसा नहीं कि केवल गणित के 25 प्रश्न होंगे, गणित में UP SSSC जैसा आजकल पूछ रहा है उस गणित में रीजनिंग के प्रश्न अपने आप शामिल होते हैं, तो इसमें रीजनिंग के जो प्रश्न होंगे वो आप मिनिमम मान के चलिए कि लगभग 10 के करीब प्रश्न आपके रीजनिंग के शामिल होंगे, ठीक है, 10 हो सकता है, 8 प्रश्न भी हो सकता है, 7 प्रश्न भी हो सकता है, तो लगभग मैंने 10 बोले हैं, ये 7 से लेकर 10 के बीच में भी आप मान सकते हैं कि इसमें रीजनिंग के प्रश्न आपके आने ही आने हैं, वो गणित में शामिल होंगे। तीसरा जब हम बात करेंगे तो तीसरा इसमें सामान्य जो है अध्ययन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, सामान्य जानकारी, जनरल जो है नॉलेज आपसे पूछा जाता है, तो इस चीज में आपका दो चीजें आती है, एक तो जीके होता है, दूसरा आपका जीए, जनरल अवेयरनेस, यानी करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान के बारे में आपको इतिहास, भूगोल, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं।
करेंट का रोल भी इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। लगभग 8 प्रश्न के करीब आपका करेंट का इसमें रोल बन जाता है, तो करेंट पर भी आपको ध्यान देना है, बाकी आपके इतिहास, भूगोल, ठीक है, इन सभी से प्रश्न होते हैं। बाकी जो चौथा हिस्सा आपका बचता है वह हिस्सा होता है जिनमें आपके पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से प्रश्न, ठीक है, और इसी में साथ साथ ग्रामीण विकास एवं परिवेश जो हेडिंग आपको मिलेगी, वह हेडिंग मतलब जो चौथी टॉपिक मिलती है वह टॉपिक आपकी होगी ग्रामीण विकास एवं परिवेश की, ठीक है। अगली जो आपको टॉपिक मिलेगी वह होगी ग्रामीण विकास एवं जो है परिवेश, लेकिन इसके अंतर्गत जो कुछ शामिल होता है उस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें उत्तर प्रदेश विशेष, ये 25 प्रश्न टोटल बनेंगे, इसी में आपका शामिल होता है उत्तर प्रदेश विशेष, ठीक है, उत्तर प्रदेश से भी इसमें प्रश्न होते हैं। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में जो राजस्व व्यवस्था कायम है अपने यहां, इस राजस्व व्यवस्था से भी सवाल होते हैं। समाज कल्याण से संबंधित क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, उन समाज कल्याण से संबंधित प्रश्न होते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में राजस्व व्यवस्था से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, कैसे कैसे, ठीक है, और इसी में आपके ग्रामीण विकास और परिवेश से संबंधित भी सवाल, यानी ग्रामीण समाज से संबंधित भी सवाल होते हैं, ठीक है। तो ये है इसके 25 और 25 25 25 यानी 100 अंकों की परीक्षा आपकी लगभग ऐसी बननी चाहिए, इसी पर आपको तैयारी शुरू करनी है। तो हिंदी मैंने शुरुआत कर दी है, पहला चैप्टर मैंने जो है अभी उसमें कुछ चीजें मैंने बताई है, पूरे के पूरे वीडियोज फ्री है, एक प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं 10+ आपका PDF कोर्स का, 10+ कोर्स को एक साथ टीम परीक्षा प्लस चला रही है। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि इस कोर्स में लगभग 10+ कोर्सेस को मिलकर एक साथ हम लोग उनके लिए वीडियोज आपको उपलब्ध करवाएंगे। इसमें UP SSSC के अंतर्गत जो परीक्षाएं आपकी आती हैं सभी के लिए संपूर्ण सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ इसकी PDF भी आपको, जो चैप्टर आपको जिस दिन पढ़ाया जाएगा उसकी क्विज दी जाएगी, उसके जो है PDF भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और ये जो प्लान अभी चल रहा है हमारा, ये 499 रुपीज में 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है पढ़ने के लिए, तो अभी जल्दी जल्दी ही जुड़ जाइए, ये कुछ ही दिन का आपका प्लान है, उसके बाद ये प्लान एंड हो जाएगा, तो ये आपका बढ़ के फिर 1200 रुपए पहुंच जाएगा। इसीलिए जितने लोग हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं, इस कोर्स का लाभ लेना चाह रहे हैं, वो जल्द ही इस सब्सक्रिप्शन प्लान को ले लीजिए, ताकि 499 में आपको 3 महीने के लिए ये जितनी वीडियोज उपलब्ध करा रही जा रही, इनके हर इनके क्विज, इनके पूरे PDF आपको सही ढंग से मिलते रहे, और इस परीक्षा को आप अपने घर में ही बैठे शुरुआत कर सके, ठीक है। इसके बाद हिंदी जैसे इस समय मैं व्यापक पढ़ा रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश SI की भी परीक्षा आपकी होगी, डन है, आनी है, उसमें बट नहीं है, थोड़ा सा आपका लेट, लेकिन वो आनी जरूर है। उत्तर प्रदेश SI में भी आपके अच्छे खासे पद हैं, वो भी होगी, उसमें भी हिंदी काम करेगा, उसमें भी गणित काम करेगा, उसमें भी आपकी सामान्य जानकारी कार्य करेगी, क्योंकि UP SSSC की परीक्षा TCS संस्था करवाती है और उत्तर प्रदेश SI की भी एक संस्था है, तो सब कुछ तैयारी एक लेवल से करिए, टीम के साथ जुड़िए, हर दिन आपको वीडियोज मिलते रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और अपनी मनः स्थिति को पूरी तरीके से इस पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द बांध दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे लगातार ऐसे वीडियोज आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।